गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पपीते का हलवा। ये बहुत ज़्यादा, ये 5 से 10 मिनट में मिलकर बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मार्केट की किसी भी मिठाई से आपको ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है। आप इसको दो हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हो। ये ख़राब नहीं होता है। 1 से 2 हफ्ते तक ये आराम से चल जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। किसी भी व्रत त्यौहार में आप पपीते का हलवा बना के खा सकते हो। ये बिल्कुल जूसी बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। आप देख सकते हो उसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइज, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पपीते का हलवा। तो सबसे पहले हमने कच्चा पपीता लिया है। इसको छील के हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आप चाहो तो उसे कद्दूकस से कस भी सकते हो और नहीं तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हो। तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। इसे छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। पपीता को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमें इसे कढ़ाई में बनाना है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारा गर्म है। इसमें हमें डालना है शुद्ध देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे पपीता। पपीता हमने डाल दिया है। इसे 2-3 मिनट तक हमें फुल फ्लेम पर भूनना है। ताकि इसमें कुछ सौंधी सी खुशबू आ जाए। इसे 2-3 मिनट पहले हम फुल फ्लेम पर भूनेंगे। पपीता हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं। इसका कलर कुछ चेंज हो गया है। इससे इसमें एक सौंधी सी खुशबू आ गई है। अगर डायरेक्ट आप इसमें चीनी डाल देते हो कच्चे में ही तो फिर ये उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। इसके लिए पहले इसे हम थोड़ा सा फुल या मिडिल फ्लेम पर इसको भून लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई पतली है तो आप फुल फ्लेम पर मिडिल फ्लेम पर भूनें। अगर मोटी कढ़ाई है तो आप उसको फुल फ्लेम पर भूनें। मेरी कढ़ाई थोड़ी पतली है इसीलिए मैंने इसे मिडिल फ्लेम पर भुना है। अगर मोटी वाली कढ़ाई है तो आप इसको फुल फ्लेम पर भूनिए। ये अब देखिए सौंधा सा हो गया है। ये भुन गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने लगभग 1 कटोरी लिया है। और 1 कटोरी हमने लिया है पानी। मैं दूध नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगर हमें खीर नहीं बनाना, हमें इसका हलवा बनाना है, इसलिए मैं इसमें पानी डाल के ही इसको पका रही हूँ। अगर आप दूध वाला खीर बनाना चाहते हो तो उसमें इसी पूरे 1 केजी दूध में फिर इसको पका लो तो आपका पपीते का खीर तैयार हो जाएगा। मैं ये हलवा बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसे पानी डाला है। अब इस चीनी का चाशनी बनने देंगे। इसे हम ढक देते हैं। ढक के हम इसे 5 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में हमें इसे पलट के देख लेना है। बीच में हमें पलट के थोड़ा देख लेना है इसको। इसे पकने देना है क्योंकि पपीता थोड़ा हार्ड होता है। तो आप चाहे इसे कुकर में भी पहले कुकर में बॉयल करके फिर इसको बना सकते हो, लेकिन उससे उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। आप बॉयल करने के बाद कुकर में उसका टेस्ट थोड़ा सा पानी से आता है। तो उसे आप इस तरीके से बनाओगे तो ये ज़्यादा टेस्टी, बहुत सौंधी सी इसकी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो हम इसे ढक के पकने देंगे। तब तक हमने लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट। इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे या फिर इन्हें कूट लेंगे। हमने लिया है थोड़ा इलायची के दाने भी निकाल के इसको हम कूट लेते हैं। खोल के हम इसे देखते हैं। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं पकने लगा है। पपीता हमारा पूरी तरीके से पक चुका है। इसे आप चाहें तो 2 हफ्तों तक आप इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। इसको अच्छी तरीके से ऐसे कुचल लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए।
हमने इसे सिम पर पकाया है, जब से हमने इसको ढक के रखा था मैंने इसे सिम पर ही रखा था ताकि धीमी आंच पर ये धीरे धीरे पकेगा। इसे से खुशबू बहुत ही सौंधी आती है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। इसी प्रोसेस से आप लौकी का हलवा भी बना सकते हो, सेम यही प्रोसेस है। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूं। पपीता हमारा पक गया है, फ्लेम को हम हाई कर लेंगे ताकि जो भी हमारा ये चीनी बचा हुआ है या सूख जाए। अभी इसमें हम डाल देंगे, मैंने ये इलायची भूख के रखी है और ड्राई फ्रूट काजू बादाम और आप जो भी आपकी चॉइस का अपना ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मार्केट से मिठाइयों से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। कोई भी व्रत त्यौहार हो आप इसको पपीते का हलवा बना के आराम से खा सकते हो। किसी भी मिठाई से ये ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको। इसको इस तरीके से कुचल लेंगे ताकि जो भी इसके बड़े बड़े दाने हो वो ये कुचला के छोटे छोटे हो जाए। हलो हमारा बनके तैयार है, गैस के फ्लेम को हम ऑफ करते हैं। देखिए दोस्तों ये कितना बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। मार्केट की किसी भी मिठाई से ये ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा, 2 हफ्ते तक आप इसको रख के स्टोर करके खा सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।